नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा को पहचाने, आत्मा को जाने, तब जाकर के आप सच्चाई को पहचान पाएंगे अपने अंदर। तो आज के ईश्वरीय वरदान 244 दिन के ईश्वरीय वरदान में जाने से पहले, आप जो फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं वो नीचे जाकर लिंक में जाकर प्ले लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। आपके डिप्रेशन के बारे में लिखा गया है, वहाँ पर बताया गया आपके बारे में। उसके बाद में आपको वहाँ पे पेरेंटिंग कैसे करनी है अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी कैसे लानी है, अल्फा एटीट्यूड कैसे रखना है अपने जीवन में, योग आसन कैसे करने हैं, बॉडी भी तो इंपॉर्टेंट है, खान पान, डाइटिंग, हर चीज़ मेंशन करी गई है। आप सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कोई चीज़ अच्छी है तो अपने साथियों के साथ में, संबंधियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। उनको भी इस चैनल पर लाएं, उनकी ही सुविधा के लिए, उनके ही भले के लिए। यहाँ पर सब्सक्राइब्स बढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पर लाइक बटन्स बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर करें। तो आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा कहते हैं, देखें इसको जाके। बाबा कहते हैं, निमित्तपन की स्मृति द्वारा, अगर आप निमित्त हैं, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर लोग आपको देख करके कॉपी करते हैं, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं, आप एक निमित्त आत्मा हैं, एक निमित्त व्यक्ति हैं। तो निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप हवा, निवारण मतलब सॉल्यूशन, विस्तार में चलेंगे। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आप निमित्त हैं, आप घर के पेरेंट्स हो, माता पिता हो, आप निमित्त हैं। अपने बच्चों की देखरेख, परवरिश के लिए, संस्कार सिखाने के लिए, उनके लिए नया। अगर आप किसी बिजनेस के आप ओनर हैं तो आप निमित्त हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप और के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर के साथ में कैसे बोलते हैं, वर्ताव कैसे करते हैं, और उससे आपकी या तो उन्नति होगी या तो आप विपरीत दिशा में जाएंगे। तो आप निमित्त हैं। तो ये केवल स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ ये नहीं कि हाँ हम तो दुनियावी वाले लोग हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी क्या सीखेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके धंधे में क्या करना है, आपकी जॉब में क्या करना है, आपके घर में क्या करना है, सब सिखाती है। तो बाबा कहते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ता है। आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ और हो, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे बड़ी पोजीशन में हो, लोग आपको डर के मारे फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट दे करके फॉलो नहीं करेंगे। आप चिल्ला चिल्ला के काम करवाते हो तो आपको सुन करके हाँ उनको तनख्वाह मिलती तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट अंदर से नहीं कर पाएंगे। जब उनको मौका मिला खिसक जाएंगे उस जगह से, कोई और जगह मिली किसी और जगह में भाग जाएंगे। तभी कंपनीज में क्या होता है, जहाँ प्यार नहीं होता, सिर्फ सैलरी के पैकेज बड़े होते हैं, तो लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं, काम करते निकल जाते हैं। जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, जहाँ पर रिस्पेक्ट है, जहाँ आपके अंदर संस्कार है, तो लोग टिकते हैं उस जगह पर। ज़्यादातर परसेंटेज बढ़ जाती है, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन परसेंटेज लोगों की टिकने की बढ़ जाती है। वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ में भी, फैमिली के साथ में भी, बच्चे, माता पिता सब एक साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पर संस्कार अच्छे सिखाए जाते हैं, जहाँ नहीं होते वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ता है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं, इस कारण से नहीं हुआ, इस कारण से यह हो गया, गर्मी थी, सर्दी थी, सोए नहीं, थके हुए थे, ये कर दिया, वो कर दिया, अगर वो कारण सुनाते हैं किसी फेलियर का, तो बाकी क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं, अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। पेरेंट्स कारण सुनाते हैं, अगर पेरेंट्स घर में बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर वो गुस्से का कारण देते हैं, अगर वो अहंकार का कारण देते हैं, अगर ईर्ष्या का कारण देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं हाँ ये चीज़ सही है, ऐसे करना चाहिए, कोई मेरे साथ ऐसे करेगा तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, कोई अगर मेरे साथ में ऐसे बात करेगा तो मैं उसको चिल्ला के बोलूंगा, उसके ऊपर मैं ऐसे डांट दूंगा, उसको मैं ये कर दूंगा। पेरेंट्स से सब कुछ आता है। फिर अब कहते हैं, अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दें। क्यों नहीं छिप सकती है, क्यों नहीं छिप सकती है, क्योंकि बाकी जो उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो बच्चे हों फैमिली में, चाहे आपके एम्प्लॉयज हों, चाहे आपके बिजनेस में काम करने वाले, वो सब आपको कॉपी करेंगे। तो छिपी कहाँ आपकी कमी, वो आपको जब फॉलो करेंगे तो आपकी कमियाँ उनके अंदर दिखाई देंगी सबको, वो जो आपको ही फॉलो करें तो आपकी कमियाँ फैल जाएंगी वहाँ पर, तो छिप नहीं सकती कभी भी। तो बाबा कहते हैं, इसलिए किस पर अटेंशन दो, संकल्प, वाणी और कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दो, तो निवारण स्वरूप बनेंगे। कहीं प्रॉब्लम हो रही है, घर में हर कोई आपस में मिलकर नहीं चलता है, जॉब में आपस में मिलकर नहीं चलते हैं, बिजनेस में आपस में मिलकर नहीं चलते हैं, अटेंशन दीजिए कि आपके संकल्प, बोल और कर्म एक समान हैं,
आप किसी को सामने सामने से रिस्पेक्ट करते हैं, पीछे पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हैं, सारे एम्प्लॉयज करना शुरू कर देंगे, सारे फैमिली मेम्बर्स करना शुरू कर देंगे आपके घर वाले। सोचिएगा ज़रा, इतना बड़ा असर पड़ता है, आप निमित्त आत्मा हैं। तो ये अगर आपको वरदान, अगर बहुत ही आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें सुनकर के मुझे लगता है मेरे को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। और अगर आपको लगता है किसी और को भी ये चीज़ परिवर्तन करनी है, अहंकार से नहीं, शुभ भावना से उनको ये फॉरवर्ड करिएगा, अहंकार से, इसको तो ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने अंदर कमियाँ नहीं देखते, औरों के अंदर कमियाँ ज़्यादा देखते हैं। उसको चेंज करना है, उसको ये चेंज करूँ, उसको मैं भेज देता हूँ ये वीडियो, वो उसको ठीक कर देगा ये। सॉरी, आप अपने आप को चेंज करने में लगे और को शुभ भावना शुभकामना से इसको फॉरवर्ड करें, फिर जाकर के उनके अंदर परिवर्तन आए ना आए, उसको आप छोड़ दें, अपने ऊपर फोकस करें। तो आज के ये श्री वरदान, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।